हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक करी, जिसके लिए हमने लिए हैं 4 बॉयल अंडे, 3 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए हैं आलू जिसे हमने कट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, फिर हम अंडे को डाल के उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हल्का ब्राउन होने के बाद हम निकाल लेंगे। फिर हम उसी ऑयल में डालेंगे आलू, उसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हल्का ब्राउन होने के बाद इसे भी हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसे हीट करेंगे, उसमें 2 चम्मच हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हीट होने के बाद हम उसमें 2 तेज़पत्ता डाल रहे हैं, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा। हल्का भुनने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, फिर ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे हम 2 से 4 मिनट तक। थोड़ा देर भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 चम्मच, उसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के पिसे हुए टमाटर, जिसकी हमने प्यूरी बना के रखी है। मिलाने के बाद इसे भी हम 2 से 4 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दही, उसे भी अच्छी तरह से मिला के हम भून लेंगे। आप देख सकते हैं मसाला भून गया हमारा 70% तक। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे और आलू, उसे ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिला के भूनेंगे हम। ऐड करेंगे पानी 200 ml, अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। फिर हम इसमें ऊपर से ऐड करेंगे कसूरी मेथी। 2 मिनट पकाने के बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे। फिर हम गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। थैंक यू।